नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन उच्च गति अभ्यास 2 प्रतिलेखन संख्या 41 का डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लाया हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होने में शेष हैं 20 सेकंड। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे खुशी है कि कृषि मंत्री एक क्रांतिकारी बिल लाए हैं, लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं आया है। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है, परंतु कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों को हम बचाकर नहीं रखेंगे और ज़मीन पर कब्जा करने की लोगों की जो भूख है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम वनों को नहीं बढ़ा सकेंगे। देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों को वनों से ही रोजगार मिलता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 6 महीने वनों से ही फल फूल द्वारा भोजन करते हैं। मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार है जो बहुत हरा भरा है। वहाँ काफ़ी जंगल है लेकिन उनको काटा जा रहा है। अगर इसको सही ढंग से रोकेंगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा भी वहाँ नहीं होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस विषय में जुलाई मास में एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की कुछ व्यवस्था की जाए। इसके बाद एक समिति बनी जिसको वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखना था। उसकी सिफारिश के अनुसार वहाँ काम होना था। इस समिति को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकी है। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे जाएंगे। इस वास्ते यह जो चीज़ है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और इसको देखना चाहिए। हमारी जो अर्थनीति है वह वनों पर आधारित है। जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है। जो इमारतें हैं वे लकड़ी की ही बनती हैं, ईंटें वहाँ नहीं बनती हैं, सीमेंट का वहाँ कोई
कारखाना नहीं है, इधर से ही वहाँ सीमेंट जाता है, उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है, तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है। आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत टिम्बर है, असम से टिम्बर नहीं आता है क्योंकि वहीं से आ सकता है, इस वास्ते वहां पर भी इसका भाव बहुत ऊंचा हो गया है और वह असम से टिम्बर ना आने की वजह से हुआ है। लकड़ी के दाम आज इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सभापति महोदय, मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं केवल एक दो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज बिजली स्टॉप